Good morning, students. Welcome to your nursery class, and this is your Hindi class. So please take out your Hindi book. तो आज जो हम सब पढ़ने जा रहे हैं वो हमको पढ़ना है छोटे से एडी एंड बड़े से एनक. और जो हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बड़े उसे ऊन एंड ऋषि ऋषि. तो आज हम सबको पढ़ना है छोटे से एडी और बड़े से एनक. सो नाउ वी स्टार्ट. छोटे से एडी, छोटे से एडी, ये क्या है? एडी है. ये हमारे जो पैर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडी कहते हैं. और ये क्या है? एक तारा. ये क्या है? एक तारा है ये. और नेक्स्ट एक मतलब वन. सो नाउ नेक्स्ट इज बड़े से एनक. ये क्या है? एनक, एलान. एरावत का मतलब होता है हाथी, इसको हम एरावत भी बोलते हैं. ओके तो बच्चों अब हमको सीखना है कि छोटे से एडी और बड़े से एनक हम कॉपी में कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले हमको सीखना है छोटे से एडी. ओके सो स्टार्ट करते हैं. छोटे से एडी बनाने के लिए हम फर्स्ट वाली लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में हम थर्ड लाइन तक एक्सटेंडिंग लाइन बनाएंगे. देन थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक वन स्लेंटिंग लाइन बनाएंगे. देन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्मॉल स्लेंटिंग लाइन. एंड सेकेंड लाइन पे हमको एक स्लिपिंग लाइन बनानी है. देन ये क्या बन गया है हमारा? छोटे से एडी. देन हमको ऐसे ही बनाना है. वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लेंटिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड लिटिल स्लेंटिंग लाइन एंड वन स्लिपिंग लाइन. सो ऐसे ही आप सबको बनाना है. सो ट्राई अगेन. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लेंटिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन लिटिल स्लेंटिंग लाइन एंड देन स्लिपिंग लाइन. ओके लाइक दिस. ओके बच्चों सो ऐसे ही आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में सभी लाइंस में लिखना है. ओके सो नाउ नेक्स्ट इज बड़े से एनक. सो हम बड़े से एनक कैसे बनाएंगे? सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक वन स्लेंटिंग लाइन, देन थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक वन स्लेंटिंग लाइन, देन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन एंड लिटिल स्लेंटिंग लाइन. देन सेकेंड लाइन में वन स्लिपिंग लाइन एंड देन जो ये स्लिपिंग लाइन है इसके ऊपर हमें एक मात्रा बनानी है, एक ही मात्रा. वो कैसे बनाएंगे? वन स्लेंटिंग लाइन देन ऊपर से एक स्मॉल सर्कल. सो ये क्या है? ये है बड़े से एनक. सो ऐसे ही हम नेक्स्ट बनाएंगे स्लेंटिंग लाइन. ऐसे ही हमको बनाना है. ओके राइटिंग आपकी एकदम ब्यूटीफुल होनी चाहिए. देन आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी लाइन में हमें लिखना है. तो ऐसे ही आप सबको भी लिखना है. ठीक है सभी लाइंस में जैसे मैंने आपको बताया है. ओके सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.